हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया एसएमएमकी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीटीई यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो कि पॉलिटेक्निक कराता है, प्लस एकेटीयू के बारे में यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में। मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो हमारे एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं, तो जो हमारा मॉक टेस्ट होगा यानी कि एग्जाम से पहले जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है, क्या उसको देना जरूरी है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे यानी कि यूपी बीटीई और एकेटीयू के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोनों का नोटिफिकेशन साथ आया था कि दोनों के यानी कि यूपी बीटीई एंड एकेटीयू के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में कराए जाएंगे, तो ये अपडेट जो है दोनों के लिए, मगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो है यूपी बीटीई का, ठीक है। यानी कि ये कल जारी किया गया था यूपी बीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, और ये सेम पॉइंट्स एकेटीयू के लिए भी जारी किए गए थे, मगर यहाँ पे जो मॉक टेस्ट का पॉइंट है वो एकेटीयू में नहीं था, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी बीटी और एकेटीयू के छात्र जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे आप लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं, उक्त परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा आपका, उसके चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप लोग सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ सकते हैं, अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षा हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिनकी समय विधि 90 मिनट होगी, एवं अन्य सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष हेतु 2 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक विषय में के अलग अलग सेक्शन होंगे एवं अलग अलग सेक्शन में विषयों को रखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपका पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और वो 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटे में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकेटीयू की हम बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे ऐसी कोई अपडेट अभी तक नहीं दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग 3 नंबर का पॉइंट पढ़ सकते हैं, समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे या अपने संस्था में उपस्थित होकर एंड्रॉइड मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि हमें एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, या फिर हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये बात दे रखी है कि आप लोग जो हैं अपने संस्था से, साइबर कैफे से, अपने घर से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है नेट की, तो आप लोग अपने कॉलेज में जाके भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये बात दे रखी है, आपके पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। प्लस आप लोग साइबर कैफे पर जाकर भी अपना एग्जाम दे सकेंगे, जो कि गुड न्यूज है सभी छात्रों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मॉक टेस्ट वाला पॉइंट आप लोग काफी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रस्तावित है कि उक्त ऑनलाइन परीक्षा के सफल संचालन एवं छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत सभी छात्रों को एक डेमो टेस्ट आयोजित कराया जाएगा, यानी कि जब आपके एग्जाम्स होंगे उससे पहले आपको एक डेमो टेस्ट होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको लॉग इन करना है, किस तरह से आपको अपना फोटो अपलोड करना है, या फिर आपको किस तरह से अपने एग्जाम पोर्टल पर पहुंचना है। ये सारी चीजें आपको डेमो टेस्ट में बताई जाएंगी। उक्त मॉक टेस्ट में छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे गए विषयों का सत्यापन, फोटो एवं नमूना एकत्रित करने का कार्य एवं छात्रों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले ऐप सॉफ्टवेयर से उनको अवगत करने का कार्य परिषद द्वारा संपन्न कराया जाएगा, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर पर आपका जो एग्जाम होगा वो आपको मॉक टेस्ट में पता चल जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर पे किस तरह से लॉग इन करना है, किस तरह से आपको अपनी आईडी ओपन करनी है और किस तरह से आपको एग्जाम देना है, जिसकी विस्तृत सूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। उक्त मॉक टेस्ट में सभी छात्रों को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। यदि मॉक टेस्ट में किसी भी छात्र द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में छात्र छात्रा को यदि मुख्य परीक्षा में किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, तो छात्र छात्रा स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, बात दे रखी है कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देते और डायरेक्ट आप अपना एग्जाम देते हैं और ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से लॉग इन करना है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, संस्था के टीचर्स या फिर बोर्ड नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी छात्र मॉक टेस्ट दें। यहाँ पे ये बात दे रखी है, मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको लॉग इन करना है। आपसे अपेक्षा है कि अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मॉक टेस्ट में आवश्यक रूप से प्रतिभा करने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात दे रखी है कि कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स से कहें कि आप लोग मॉक टेस्ट दें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सुनील कुमार सोनकर जो कि सचिव हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था 22 जून 2021 को। ये नोटिफिकेशन आप लोग यूपी बीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एकेटीयू की अगर हम बात करें,
उनकी अगर हम बात करते हैं किट की, तो उन छात्रों से भी हम कहेंगे कि आप लोग भी अपना मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से लॉगिन करना है, क्योंकि ये शायद पहली बार है कि जो छात्र हैं अपने इवन सेमेस्टर के वो ऑनलाइन एग्जाम्स अपने घर बैठकर देने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सावधान रहिएगा, कोई भी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते तो आपको उसमें लॉस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।